आज बगबोट को संभालने के काबिल है हमारे अली बाबा, इनको आप जो है ना पूरे जितने भी बगबोट के लिम्बर हैं, वोटर्स हैं, मैं उनसे सबसे गुजारिश करता हूँ अली बाबा को अपना कीमती वोट देकर भारी एक्सरस से कामयाब करें। जो मकसद से वक्फबोर्ड बनाया गया है, जो वक्फ का माल गरीबों के तक पहुंचना और गरीब उसमें वक्फ के माल में डेवलप होना है, वो पूरे चीज़ों में एक फिट कैंडिडेट सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब क्यों मैं ये उम्मीद से देख रहा हूँ। तो पूरे वोटर से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको वोट करें, उनकी काबिलियत को वोट करें, उनको और टाइम है आपके पास, अच्छे से स्टडी करें। जब भी वोट दे रहे आप यही सोच कर देना है आने वाले टाइम पे ये कम्युनिटी का वोट, ये लोगों का वोट, ये वक्फ बोर्ड का वोट, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल होगा। इस बार मेरा वोट हक से होगा और गरीबों के लिए वक्फ बोर्ड के लिए रहेगा, बल्कि पूरे वोटर्स अपनी एक नियत कर उनको वोट देना है, मेरी रिक्वेस्ट है तमाम वोटरों से। कर्नाटक में अगर कंपेयर करेंगे तो एक काबिल शख्स एक कैंडिडेट की नज़र में, मेरी नज़र में वो नज़र आ रहे हैं। वक्फ के इदारों को जो कम्युनिटी के लिए चैरिटी के नाम पे जो फ़ायदा होना है, जो उनको बेनिफिट्स मिलना है, जो उनको आने वाले टाइम पे फ़ायदे मिलना है, एक प्रैक्टिकल मॉडल केवीएन यूनिवर्सिटी उनके नज़र में उनके हाथ में है। कि कर्नाटक स्टेट में बहुत ही अहम इलेक्शन है और इस अहम इलेक्शन में हमारे सामने 6 कैंडिडेट्स हैं, तो मैं तमाम जो वक्फ बोर्ड के जो वोटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गुलबर्गा के सैयद अली अल हुसैनी साहब जो ख्वाजा एजुकेशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं और ख्वाजा बंदे नवाज गिस्तुदराज के सज्जादे नशीन हैं, बहुत ही एक एबल कैंडिडेट है। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केवीएन यूनिवर्सिटी, इमरान सिल्क हाउस, भारत चिकन सेंटर, अलशरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बेग न्यूरोसाइकेट्री हॉस्पिटल, स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट, जब से ये चेयरमैन बने हैं एक बेहतरीन अंदाज से इनका जो मैनेजमेंट का जो तरीका है ये निभाते आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी जो मिसयूज हो रहे हैं उनको सही करने में इनका एक रोल रहेगा। तो मैं तमाम वक्फ बोर्ड के जो वोटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सैयद अल हुसैनी साहब को अपना कीमती वोट देकर ये जो वक्फ बोर्ड है उसको मजबूत करें। मैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का SDPI का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का मैं दरवेश कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो अब ये माहौल में जो इलेक्शन आया है वक्फ बोर्ड का इलेक्शन, ये बहुत नाजुक माहौल है। अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए वो इलेक्शन का मामला अलग था, ये जो माहौल है बहुत ऐसे माहौल में इलेक्शन आया है और इसके काबिल आज वक्फ बोर्ड को संभालने के काबिल है हमारे अली बाबा, इनको आप जो है ना पूरे जितने भी वक्फ बोर्ड के लिम्बर हैं, वोटर्स हैं, मैं उनसे सबसे गुजारिश करता हूं अली बाबा को अपना कीमती वोट देकर भारी एक्सरस से कामयाब करें। गुलबर्गा हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब जो वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में अपना नामिनेशन डाले हैं, मुझे उम्मीद है कि एक कर्नाटक में अगर कंपेयर करेंगे तो एक काबिल शख्स एक कैंडिडेट की नज़र में, वो नज़र में, मेरी नज़र में वो नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह केबीएन की एक यूनिवर्सिटी जो है, केबीएन यूनिवर्सिटी गुलबर्गा में, एक जब से उन्होंने ज़िम्मेदार बने हैं एक बहुत ही अच्छे अंदाज में उसको एक डेवलप करना, उसका डेवलपमेंट होना, उसके अंदर डिपार्टमेंट्स आना, बहुत सारे एजुकेशन में डेवलप करना, तो ये एक डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। तो वो एक उम्मीद से हमको क्या लग रहा आने वाले टाइम पे कर्नाटका के कितने डिस्ट्रिक्ट में वक्फ बोर्ड की जगह है, तो इसी तरीके से एजुकेशन सेटअप, हेल्थ सेटअप और जो भी वक्फ के इदारों को जो कम्युनिटी के लिए चैरिटी के नाम पे जो फ़ायदा होना है, जो उनको बेनिफिट्स मिलना है, जो उनको आने वाले टाइम पे फ़ायदे मिलना है, एक प्रैक्टिकल मॉडल केवीएन यूनिवर्सिटी उनके नज़र में उनके हाथ में है आज जो उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरी तमाम वोटर से रिक्वेस्ट है कर्नाटका के वक्फ बोर्ड के जितने भी वोटर्स हैं आने वाले टाइम पे वक्फ बोर्ड का सही इस्तेमाल होना और उसका उसकी जो इदारे हैं, उसके जो फैसिलिटीज़ हैं, जो मकसद से वक्फ बोर्ड बनाया गया है, जो वक्फ का माल गरीबों के तक पहुंचना और गरीब उसमें वक्फ के माल में डेवलप होना है, वो पूरे चीज़ों में एक फिट कैंडिडेट सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब क्यों मैं ये उम्मीद से देख रहा हूं। तो पूरे वोटर से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको वोट करें, उनकी काबिलियत को वोट करें, उनको और टाइम है आपके पास, अच्छे से स्टडी करें। जब भी वोट दे रहे आप यही सोच कर देना है आने वाले टाइम पे ये कम्युनिटी का वोट, ये लोगों का वोट, ये वक्फ बोर्ड का वोट, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल होगा। इस बार मेरा वोट हक से होगा और गरीबों के लिए वक्फ बोर्ड के लिए रहेगा, बल्कि पूरे वोटर्स अपनी एक नियत कर उनको वोट देना है, मेरी रिक्वेस्ट है तमाम वोटरों से। जैसे कि आप सब जानते हैं कर्नाटका में स्टेट कमिटी मेंबर्स वक्फ बोर्ड का इलेक्शन होने जा रहा है, ऐसे वक्त में जब स्टेट जो वक्फ बोर्ड के ऊपर ही सवाल निशाना
बनाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के बहुत सारे इंटरनल इश्यूज़ हैं, चाहे वो कमिटी मेंबर्स को लीजिए, प्रॉपर्टीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए लीजिए, जो प्रॉपर्टीज़ गबन हुए हैं और उनके जो लीगल इश्यूज़ हैं उनको लेकर जो इश्यूज़ हैं वो एक तरफ, उसके अलावा खुद वक्फ बोर्ड के ऊपर ही सवाल निशाना बीजेपी और आरएसएस और संघ परिवार की तरफ से होते जा रहे हैं। ऐसे वक्त पर वक्फ बोर्ड एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और सेंटर ऑफ क्वेश्चनिंग में है। ऐसे वक्त में जो इलेक्शन होने जा रहा है, कर्नाटका स्टेट में बहुत ही अहम इलेक्शन है और इस अहम इलेक्शन में हमारे सामने 6 कैंडिडेट्स हैं, तो मैं तमाम जो वक्फ बोर्ड के जो वोटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गुलबर्गा के सैयद अली अल हुसैनी साहब, जो कर्नाटका जो ख्वाजा एजुकेशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं और ख्वाजा बंदे नवाज गिसुदराज के सज्जाद नशीन हैं, बहुत ही एक एबल कैंडिडेट हैं। हर पैरामीटर्स में इन्हों वक्फ बोर्ड के मेंबर चुनने के लायक हैं, चाहे वो एजुकेशन पैरामीटर्स में लीजिए, चाहे वो दीनी सलाहियतों के लिए लीजिए, चाहे मैनेजमेंट लीजिए, क्योंकि जब से हम देखते हैं स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट जब से ये चेयरमैन बने हैं एक बेहतरीन अंदाज से इनका जो मैनेजमेंट का जो तरीका है ये निभाते आ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब वक्फ बोर्ड के ऊपर ही सवाल निशाने आ रहा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज नेशनल लेवल पर वक्फ बोर्ड के ऊपर है, ऐसे वक्त पर ज़बरदस्त एक स्टेट कमेटी होनी चाहिए और वैसी स्टेट कमेटी में ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे पढ़े लिखे कैंडिडेट्स, ऐसे ज़बरदस्त कैंडिडेट्स अगर वक्फ बोर्ड में रहेंगे तो वक्फ बोर्ड का जो नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको पॉजिटिव में तब्दील करने में ये कामयाब रहेंगे। और जो मिसमैनेजमेंट वक्फ बोर्ड में हो रहा है, बहुत ही एबल मैनेजमेंट है इनका और बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स हैं इनके पास, एक सही वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी जो मिसयूज़ हो रहे हैं उनको सही करने में इनका एक रोल रहेगा। तो मैं तमाम वक्फ बोर्ड के जो वोटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सैयद अल हुसैनी साहब को अपना कीमती वोट देकर ये जो वक्फ बोर्ड है इसको मजबूत करें और हमारे जो प्रॉपर्टीज हैं इसको तहफुज करने में इनकी मदद करें। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केवीएन यूनिवर्सिटी, इमरान सिल्क हाउस, भारत चिकन सेंटर, अल शरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बेग न्यूरोसाइकेट्री हॉस्पिटल।